चलिए शुरू करते हैं। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक लिखित में नहीं दोगे तब तक नहीं मानेंगे। लोगों को लग रहा है यार ये किसान ऐसे कैसे अड़ गए, वो इसलिए अड़ गए क्योंकि सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 8 साल में शून्य कर चुकी है। सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। सरकार जितनी बातें कहती है उसका 90% का भी उसने पालन नहीं किया, इसलिए वो भी अड़ गए। यानी सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, जब तक वो लिखित में नहीं देंगे किसान नहीं उठने वाले। 80 दिन इस मामले को हो चुके हैं। अभी क्या हुआ कि अरीना ने कमेंट कर दिया, अरीना क्या नाम है, रिहाना ने कमेंट कर दिया कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ऐसी तैसी हो गई। अरे रिहाना कैसे कर सकती है, हम तो देश के बीच में, हम क्यों नहीं करेंगे। अरे भैया तुम करते ना अब तक, क्यों भाई सचिन भाई, अक्षय कुमार साहब इतने दिन बेरोजगार आंदोलन चला, बच्चे तमाम सुसाइड कर रहे हैं नौकरी ना लगने से, तब आपकी बोलती बंद हो गई थी। तब भी आप लिख देते एक कमेंट कि बेरोजगारों की भी सुने सरकार, तब तो आप नहीं बोले। पूरे वर्ल्ड में हमने नंबर 1 पे ट्वीट अपना ट्रेंड कराया, तब एक का भी ट्वीट नहीं आया, तब उस कंगना की बच्ची का भी नहीं आया कि बेरोजगारों की भी सुनी जाए, जिसको हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है। अभी तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी बात लगा दूंगी, एक एक एक्सपोज कर दूंगी। अब फार्मर प्रोटेस्ट पे किसी बाहर के सेलिब्रिटी ने कर दिया तो तुम्हारी ईगो सुन हो गई, हमने क्यों नहीं किया। 80 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार को एक रिक्वेस्ट ही कर लेते कि इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, तब तो कोई नहीं बोल रहा था। कोरोना काल में इतने किसान, पैदल मजदूर लोग, कितने लोगों की हत्याएं हुई, लोग मर गए धूप में, इतनी गर्मी थी, तब किसी का ट्वीट नहीं आया तुम्हारा, तब तुम क्या कर रहे थे। अच्छा पैसा मिलता है सरकार से ट्वीट करने का तो करते हो, करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो ऐसे रिहाना को भी मिला है और पैसे के लिए उसने भी कर दिया, जेल क्यों रही आपकी अब इतनी जली ना। समझ रहे हो, तो जब अगर देश में कुछ गलत होगा ना तो बाहर के लोग बोलेंगे, आप मौका क्यों दे रहे हो। 80 दिन बात किया है ना रिहाना ने ट्वीट, आप इस मामले को 60 दिन में निपटा लेते, 30 दिन में निपटा लेते, नहीं करती हो। बाहर तक आवाज पहुंच गई ना, आवाज पहुंच कैसे गई बाहर तक, क्योंकि हम कन्वेंस नहीं कर पाए, हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आवाज पहुंच गई। ये बढ़िया था गुरु। और इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का ना बहिष्कार करो, जब बात बेरोजगारी की आती है तब ये एक ट्वीट नहीं करते। अक्षय कुमार के पास मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए टाइम निकल जाता है कि आम चूस के खाते हैं या फेंक के खाते हैं, चाट के खाते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो। बट जब बेरोजगारी की बात आई तो इन्होंने सरकार को ट्वीट नहीं किया, जब कोरोना काल में इतने सारे लोग बेचारे रोड पे पैदल चल के मर गए तो किसी ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं आई देश की फिक्र। अब देश की फिक्र आ रही है कि हम सब एक हैं, तब हम सबकी एकता कहां चली गई थी, जब वो अकेला सोनू सूद बस भर के भेज रहा था, तुम भी 400-500 बस भर के भेज देते तब तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था। आज तो बड़ा ज्ञान दे रहे हो, बाहर के लोग ट्वीट नहीं करेंगे, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा। काहे का प्रोपोगेंडा, बाहर के लोगों को ये लग रहा है कि देश में अशांति फैल रही है, दिक्कतें चल रही है, तो कर दिया उन्होंने ट्वीट। अरे रिहाना का बॉयफ्रेंड दिल्ली में बैठा है, उसका वाईफाई बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, उसने पूछा कि क्या हुआ कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब उधर तो वैलेंटाइन डे वीक आ रहा है, उसको तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है कि नहीं करनी, उसको तो इंटरनेट की जरूरत है कि नहीं, तो उसने लिख दिया। गलत क्या किया उसने, गलत मानना है तो इन बातों को मानो, इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की उन बातों पे कहो। जब इन्होंने बेरोजगारी पे ट्वीट नहीं किया, आपको मालूम होगा 70 मिलियन ट्वीट हुए एक दिन में, वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चला, अभी 5 महीने पहले की बात है, तब एक सिंगल बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने ट्वीट नहीं किया, उस कंगना की बच्ची तक ने ट्वीट नहीं किया जिसको हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है। और जहां तक सवाल फार्मर प्रोटेस्ट का है तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैं गणित पढ़ाने वाला आदमी हूं साधारण सा, मैं इतना जानता हूं कि अगर बेटा किसी बात पे जिद कर ले तो बाप को उस पल के लिए वो फैसला बदलना पड़ता है, चाहे वो उसके हक में क्यों ना हो, कि ठीक है हम बाद में ले आएंगे इस बात को। 70 दिन हो गए, आज सरकार को क्या फर्क पड़ता है, इतने दिन से जयपुर हाईवे जाम पड़ा है, सरकार को फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को। इससे पहले भी देश में आंदोलन होते थे तो क्या आंदोलनकारियों की सुनी नहीं जाती थी, क्या राजा प्रजा से नाखुश नहीं हो सकती, क्या राजा किसी प्रजा के फैसले से असहमत नहीं दिख सकती, ये गुनाह कर दिया हमने। बेरोजगारों का तो कोई सुनने वाला है नहीं, अब किसानों का भी, हमारा तो हिम्मत ही टूट गया, हम भी सोचते थे कभी बेरोजगारी पे आंदोलन करेंगे, लेकिन क्या करेंगे आंदोलन करके, फायदा क्या होगा आंदोलन करने का, 80 दिन ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे और कोई सुनेगा नहीं हमारी, हमारी एकता तो किसान जितनी भी नहीं है कमी ही है लगभग। इस वीडियोज को उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक जरूर भेजना कि शर्म करें, हया करें, कि जब देश में और भी मुद्दे होते हैं ना तो भी ट्वीट करना सीखें।
आपको सेलिब्रिटी भगवान हम लोगों ने बनाया है प्यार दे दे के, तो उस प्यार का इतना सम्मान रखें कि जब देश में और भी समस्याएं आती हैं तो उन पे भी आप सेलिब्रिटी हैं, आप कोई सरकार के चाटुकार नहीं है कि आप सरकार के फेवर में ही ट्वीट करेंगे। गजब बेइज्जती है। और अगर सरकार ऐसे केसेस पे जेल डाल भी देती है ना, अगर इतना बोलने पे, तो डर हमें भी नहीं लगता, ठीक है डाल दो जेल, गलती कर दी क्या हमने कुछ? गांधी जी भी बहुत बार जेल गए थे, और तमाम बड़े बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी जेल गए थे। अगर जेल जाने का डर होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। अगर बोलने से लोग उस वक्त भी डरते तो सोचो, लोग अंग्रेजों के सामने बोल गए और देश को आजाद कर दिया। आज बोलने पे पाबंदी है, आप बोल नहीं सकते, आप सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। और सोचो उन लोगों से जिन्होंने देश के लिए खून बहा दिया, तो उन लोगों से सीखो और सरकार के खिलाफ भी बोलना सीखो अगर गलती है तो।